subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टैट 2018 एंड 19 में आए मैथ्स के क्वेश्चंस। ओके, मैं इनको सॉल्व नहीं कराऊंगा, जल्दी जल्दी से आपको इनको करवाएंगे। और आपको केवल यही आइडिया देना है आज कि जो भी ये क्वेश्चन है ये किस तरह से पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। और कल या परसों तक मैं आपको पूरा सिलेबस बना के दे दूँगा फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का। एंड बाकी जो जीके है, साइकोलॉजी है, वो तो हम कर रहे हैं चैनल के ऊपर, वो उसी तरह से रेगुलर चलता जाएगा, आप वहाँ पे जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द व्हीकल इज़ 21 सेंटीमीटर, हाउ मच रिवेल्यूशन विल इट मेक ट्रैवल 924 मीटर। द राइट आंसर था यहाँ पे 700। गाइज देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सर्कमफ्रेंस रिलेटेड, यानी ये आपके पास क्वेश्चन बन रहा है सर्कल से। सर्कल आपके पास कौन सी क्लासेस में है, ये आपके पास 9th एंड 10th का टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास HCF ऑफ रेसिप्रोकल, तो HCF आपके पास काफ़ी छोटी क्लासेस का है, इसका आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कितना ईजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राइट आंसर था आपके पास -2। ओके, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट था आपके पास मीन मोड मीडियन, तो मीन मोड मीडियन से क्वेश्चन पूछा गया था। आपके पास सिंपल फॉर्मूला होता है मीन मोड मीडियन का, जिससे आप इजी इनको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये टॉपिक हम आपको दे देंगे और उन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग हम आपकी तैयारी करवाएंगे। नेक्स्ट आपके पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी जो भी आपके पास ट्राइंगल्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो भी हम स्टडी करेंगे और किस तरह से हम फॉर्मूलेस को याद रखा जाता है। ओके, तो ए जो था इसका राइट आंसर है 66 है हमारे पास। द एवरेज ऑफ स्क्वेयर ऑफ कंजुगेटिव और नंबर, तो यहाँ पे कंजुगेटिव और नंबर पूछा गया था, आपको स्क्वेयर बताना था उनका। तो कंजुगेटिव नंबर क्या होते हैं, जो एकदम एक सीक्वेंस के बाद आएंगे। तो ये आपको प्लस वन का जो मैथ्स है उसमें से ये टॉपिक लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, ये भी आपके पास प्लस वन से टॉपिक लिया गया है, इसका राइट आंसर आपके पास बना था 2। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लिया गया है, ये भी आपके पास 9th एंड 10th का टॉपिक है, तो ऑप्शन ए जो था इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपके पास प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन लिया गया है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे ये बना था, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, आप इनको लिख भी सकते हैं क्योंकि हर टाइम इन्हीं से क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, तो ये प्लस वन का टॉपिक है। सम ऑफ मनी डबल, तो ये नॉर्मल सा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, भी 9th एंड 10th में से लिया गया है। डिक्रीजिंग, ये आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन होता है क्योंकि इनको ट्रिक के साथ सॉल्व करना पड़ता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो था राइट आंसर था। नेक्स्ट आपके पास रेशियो ऑफ मदर, तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, ये भी 9th एंड 10th के क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास ट्रू स्टेटमेंट, तो ये तो आपके पास 6th टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है, ये 6th क्लास में से आपका टॉपिक लिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ इक्विवेलेंट, तो ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है, ये भी आपके पास 8th का टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास ओबोट गोज 40, तो ये आपके पास बेसिकली फिजिक्स से टॉपिक बन जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 77, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास है 24, क्वाड्रिलेटरल 10th का ही टॉपिक है, 9th और 10th का टॉपिक है। नेक्स्ट है आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम 1.54 m³ एंड डायमीटर, तो ये भी आपके पास सिलेंडर दिया गया है, ये भी आपके पास 9th एंड 10th का टॉपिक है। नेक्स्ट आपके पास इसका जो राइट आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको केवल इनकी वैल्यूज कंपेयर करनी है, पहले इनको इक्वल बनाना है, बाकी बाद में आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास दिनेश हैज़ 5 रुपीज़, तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। अदरवाइज़ जिसको भी PDF चाहिए वो हमें WhatsApp के ऊपर रिप्लाई कीजिए, मैसेज कीजिए, हमारा नंबर है 8894521554। ओके, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ओके, 8894521554, जो भी सीरियस कैंडिडेट है पढ़ाई के लिए,
ज़्यादा सीरियसली है कि नहीं हमें पढ़ना है, तो वो हमें कमेंट जरूर कर सकता है। हमें कमेंट कीजिए, हम उन्हें ये PDF सेंड कर देंगे फॉर प्रैक्टिस। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये देखिए आप कितना इजी क्वेश्चन है, ये भी आपके पास +1 से लिया गया है। यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, 9th का क्वेश्चन है ये। ट्राइंगल्स पूछा गया है, 9th का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम, ये भी आपके पास 9th और 10th में से लिया गया है। नेक्स्ट आपके पास फैक्टर थ्योरम है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम दी गई है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास द एवरेज ऑफ रन स्कोर बाय प्लेयर, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, ये वर्क वाला क्वेश्चन है। तो गाइज़ अगर आप एक बात देखोगे, जो TGT में आपके पास मैथ्स है और जो आपके पास टैट में पूछा हुआ मैथ्स है, काफ़ी डिफरेंस है उनमें। वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करते, एक दो क्वेश्चन के अलावा। तो सो इसके लिए आपको 6th to 10th का +1 +2 का जो भी नॉर्मल कॉमन कॉमन टॉपिक है, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सिलेबस हम दे देंगे आपको, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। आई होप कि आपका ज़रूर क्लियर होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो 2019 जून का है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपके पास फ्रैक्शंस को ही कंपेयर किया गया है, उसके बाद आपके पास रैशनल नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। गाइस जो भी बॉक्सेस में यहाँ पे दिए गए हैं, वो इनके राइट आंसर हैं। आप देखोगे सिंपल इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है आपके पास, उससे हर टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपके पास रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से, यानी सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, मीन मोड मीडियन से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है, सिंपल नंबर है, ईच डायगोनल ऑफ स्क्वेयर, स्क्वेयर इतना इजी क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ तो कॉन्ग्रेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये 9th का है। ये नेक्स्ट भी आपके पास काफ़ी इजी टर्म है, ये थोड़ा आपके पास थोड़ा लाइट यानी हैवी क्वेश्चन पूछे गए हैं फॉर +1, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है काफ़ी इजी है, 75% ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास पास्ट, ओके। ये आपके पास ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, बीच में सर्कल दिया गया है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी एरिया से रिलेटेड हर बार आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, तो ये सारे के सारे टर्म आपको +1 और +2 में। ये कभी कभी जो है आपके पास +1 के टॉपिक्स भी यहाँ पे ऐड हो जाते हैं कभी कभी। देखिए साइन कॉस की वैल्यू हर बार पूछी जाती है, ये आपके पास AP से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉर्ड यानी सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, डायमीटर। ये जो 2019 जून में आया था, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। गाइज मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बेसिक बेसिक टॉपिक्स बता रहा हूँ, ओके। तो ये देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं। यानी यहाँ पर अगर आपको, अब समअप करते हैं इस वीडियो को सारी को, सॉरी, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं आपके पास फ्रैक्शन आएगी, तो फ्रैक्शन के हर टाइप पढ़ लीजिए किस तरह से होते हैं। HCF, LCM से रिलेटेड जो भी आपके पास फार्मूले बनेंगे, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। वर्क एंड टाइम से रिलेटेड, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस से रिलेटेड आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपके पास जो भी आपके पास एरिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्कल से, सिलेंडर से, क्वाड्रिलेटरल से, तो जितने भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं, मीन मोड मीडियन से, तो मैं कल आपको या परसों तक जो जब भी टाइम लगेगा, नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी वो सिलेबस से रिलेटेड ही आएगी, जिस तरह हमने TGT के लिए सिलेबस निकाला था, तो इसके लिए भी अब सिलेबस आएगा। तो आई होप कि आपको वो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।